केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांदा और रायबरेली में आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। बांदा के तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे चरण में सपा और बसपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने अखिलेश यादव को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में पानी का संकट दूर करने के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से शुरू की गई परियोजनाओं को गिनवाया और डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना किए जाने की बात कही है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो कि कश्मीर में, ये हमारा कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा रहे, चाहते हो या नहीं चाहते हो। अब इसके लिए धारा 370 को हटाने की योजना लेकर मोदी जी आए। अखिलेश बाबू ने विरोध किया, बहन जी ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, अखिलेश बाबू खड़े हो गए, कहा धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेगी, खून की नदियां। अरे अखिलेश बाबू, किसको डराते हो भाई? हम डरने वालों में से नहीं है। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं भाई। मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलितों की सरकार। कांग्रेस तो कहती रही हम गरीबी हटाएंगे, समाजवादी पार्टी भी कहती रही हम समाजवादी हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे काम उत्तर प्रदेश में किए। भाइयों बहनों, 1,67,00,000 माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अगले 5 साल कर तक फिर से सरकार चुननी है? फिर से आतंकवाद और बाहुबलियों को लाने वाली सपा सरकार चाहिए या डिफेंस कॉरिडोर और पानी लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए? बताए बुंदेलखंड वाले क्या चाहिए भाई? अरे तेंदुआरी वालों बोलो जोर से, क्या चाहिए? जोर से बोलो, क्या चाहिए? तो कमल के निशान पर 23 तारीख को बटन दबाओगे, हमारे निषाद को प्रचंड बहुमत से जिताओगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे। जय संकल्प रैली निकली, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं, अभी प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव हो गया, कल तीसरे चरण का है। 2 चरण का परिणाम जानना है क्या आप लोगों को? जोर से बोलो, जानना है क्या? पहले और दूसरे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ है। पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की 300 सीटों की सरकार बनाने की नींव डालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है, और तीसरे और चौथे चरण में रायबरेली वालों, आप लोगों को वो नींव पर एक भव्य इमारत बनाने का काम शुरू करना है। जब से हमारी विजय संकल्प रैली निकली, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं, अभी प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव हो गया, कल तीसरे चरण का है। 2 चरण का परिणाम जानना है क्या आप लोगों को? जोर से बोलो, जानना है क्या? पहले और दूसरे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ है। पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की 300 सीटों की सरकार
बनाने की नींव डालने का काम। वहीं चौथे चरण के लिए मुख्यमंत्री योगी ने पीलीभीत और सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर हमला बोला और कहा कि सपा सरकार में माफियाओं का राज था, आज सभी माफिया जेल में हैं। आतंकवादियों को सजा दी, उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। आतंकवादियों को सजा दी, उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। आतंकवादियों को सजा दी, उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। आतंकवादियों को सजा दी, उसमें से फांसी की सजा भी दी गई, आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भी उसमें से कुछ आतंकी थे और उनमें से एक आतंकवादी का परिवार तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी को वोट मांगते हुए देखा है हमने। समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, सपा नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट का मुद्दा अब यूपी चुनाव में गूंज रहा है। पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकी के परिवार के तार सपा से जुड़ा होने का दावा किया। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब भी आतंकवाद की बात आती है तो भाजपा जीरो टॉलरेंस दिखाती है, जबकि समाजवादी पार्टी सहयोगवाद का रुख रखती है। पर सवाल उठाते हैं, एटीएस और पुलिस पर सवाल उठाते हैं और आतंकियों को घर पर बिरयानी खाने बुलाते हैं, उनके समर्थकों को बुलाते हैं। मैंने फोटो भी आपको दिखाई, क्या हाल है। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट। ये लाल टोपी रेड अलर्ट है और इससे बड़ा अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए और क्या होगा। चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना होगा और यह निर्णय भी करना है
कि ये समाजवादी नहीं समाज विरोधी है। अगर आप अगले भी उदाहरण देखेंगे तो उसमें भी स्पष्ट तौर पर आपको नजर आएगा, केवल अकेले अखिलेश यादव जी ने, आजम खान हो, अबू आजम हो, ऐसे इनके बड़े नेता सब पुलिस वाले शहादत उनके घर पे नहीं गए, जिनको आतंकवादी होने के आरोप में पकड़ा गया उनके घर पर उन लोगों के परिवारों से मिलने गए। ये आतंकवादियों को उनके परिवारों को संरक्षण देने का काम सपा करती है। सवाल उठाते हैं एटीएस और पुलिस पर सवाल उठाते हैं और आतंकियों को घर पर बिरयानी खाने बुलाते हैं, उनके समर्थकों को बुलाते हैं। मैंने फोटो भी आपको दिखाई क्या हाल है। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट। ये लाल टोपी रेड अलर्ट है और इससे बड़ा अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए और क्या होगा। चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की जनता को यह तय करना होगा और यह निर्णय भी करना है कि यह समाजवादी नहीं समाज विरोधी है। अगर आप अगले भी उदाहरण देखेंगे तो उसमें भी स्पष्ट तौर पर आपको नजर आएगा, केवल अकेले अखिलेश यादव जी ने, आजम खान हो, अबू आजम हो, ऐसे इनके बड़े नेता सब पुलिस वाले शहादत उनके घर पे नहीं गए, जिनको आतंकवादी होने के आरोप में पकड़ा गया उनके घर पर उन लोगों के परिवारों से मिलने गए। ये आतंकवादियों को उनके परिवारों को संरक्षण देने का काम सपा करती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर और पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि काका चले गए, अब बाबा भी जाएंगे। बीजेपी साजिश भी कर सकती है, षड्यंत्र भी कर सकती है, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? महंगाई के खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? ये जो झगड़ा लगाते हैं इसके खिलाफ मतदान करोगे कि नहीं करोगे? और मतदान कर देना गंगा जमुनी तहजीब और जो हमारी मिली जुली संस्कृति है उसको बचाने के लिए भी एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल कर देना। आप चाहे सड़क हो, पुल हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमें बड़ा काम करना पड़ेगा तो करेंगे। इसके साथ साथ अपने बीएड टेट वाले लोग हैं, तुम्हारी मदद होगी, 69,000 मदद होगी, शिक्षा मित्रों की मदद होगी। और वहीं अगर हमें रोजगार की संभावनाओं को ढूंढते हुए कहीं भी किसी तरह का अगर हमें मदद करनी पड़ेगी, टूरिज्म के क्षेत्र में भी कुछ बढ़ावा देना पड़ेगा तो बढ़ावा देंगे। और किसानों की सुविधाओं को लेकर के अगर हमें मंडी का सब कुछ ठीक करना पड़ेगा जिससे कि हमारे किसानों को एमएसपी मिल जाए, वो भी इंतजाम करेंगे। वहीं हमारे बंगाली समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, कई सरकारें आई चली गई, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इस बार सरकार बनेगी तो बंगाली समाज के लोगों की हम पूरी ईमानदारी से मदद कर करके उन्हीं सब समस्याओं का समाधान करेंगे। बीजेपी साजिश भी कर सकती है, षड्यंत्र भी कर सकती है, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? महंगाई के खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? ये पूरा बहुमत दे दिया है और इसके बाद जो वोट पड़ने जा रहा है, आपके बाद जब वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचते नजर आएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है उत्तर प्रदेश से। सुना है बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है। ये बात अगर सच है, किन्नौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है। यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, बताओ किसान भाइयों,
इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अगर किसी किसान की और यहाँ खड़े हुए आए हुए हमारे किसान परिवार के नौजवानों बताओ, किसी भी किसान परिवार की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली के उनचार विधानसभा में जनसभा को संबोधित। प्रियंका ने बीजेपी सरकार और केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी की चुनावी रैली के दौरान लोगों में उत्साह भी दिखा। सरकार का काम है कि वो आप सबको अपने पैरों पे खड़ा करे। अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया, उसको रोजगार नहीं मिला, ठीक है, और आपको हमेशा उसकी देखभाल करनी पड़ी, चाहे वो 40 साल का हो जाए, 50 साल का हो जाए, रोजगार नहीं है, तो कुछ गड़बड़ है ना। इसी तरह से सरकार जब कहती है कि हम आपको राशन दे देंगे, हम आपको कुछ पैसे पकड़ा देंगे, ठीक है, वो उसका अधूरा काम होता है। सरकार का असली काम होता है कि आप सबको एकदम मजबूत बनाकर, सशक्त बनाकर, शिक्षित बनाकर आपके भविष्य को उज्जवल करना, ठीक है। अब जैसे मेरी सारी बहनें बैठी हैं यहाँ, आप अपनी बेटियों को के लिए क्या चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि आपकी बहनें संघर्ष करें, है ना? आप चाहते कि ठीक है, मैंने संघर्ष किया, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, मेरी बेटी खुद अपने पैरों पे खड़ी होगी, उसकी शादी होगी, वो नौकरी करेगी, खुद कमाएगी, यही चाहते हैं ना? इसी तरह से आप अपने बेटों के लिए चाहते हैं कि रोजगार मिले उन्हें। अब परिस्थिति क्या है, सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है कि जो असली काम है वो नहीं करते, आपको सशक्त करने का काम। जब चुनाव आता है तो आप पे, आपके सामने आके धर्म की बातें शुरू, जाति की बातें शुरू, क्यों? क्योंकि आपके जज्बात उभरेंगे, ठीक है, आपको या तो असुरक्षित महसूस कराएंगे कि वो हम असुरक्षित हैं, सरकार चाहिए, यही सरकार चाहिए क्योंकि हमें सुरक्षा देगी, ठीक है, या बोल देंगे कि तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो। हरदोई के सवाईजपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के समर्थन में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने जनसभा को संबोधित किया। बीएल वर्मा ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। हजार की संख्या में जनसभा में लोग मौजूद थे। नांदखेड़ा के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम है बीएल वर्मा, लेकिन भाजपा फिर से 2017 का जो इतिहास रहा है उसको रिपीट करेगी और इस बार 300 पार फिर से कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा। अभी आपसे कहा कि 300 पार फिर से ले जाएगी भाजपा सरकार और फिर से हम विकास के रास्ते पर अग्रसर। देखिए, ऐसा है कि मैं साफ कहना चाहूंगी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो दलाली करती है, सपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें गुंडागर्दी बढ़ती है, भाजपा ही एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो बदलाव कर रही है, बदले की राजनीति नहीं कर रही है। इसलिए मेरा आग्रह है सबसे कि कमल पे इस बार वोट देकर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।